रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कोटि कर्म भरम जार पार तुहे उतारे, मुक्ति लोक पावे मोख नाम जो उचारे। कि तेरे सभी कर्म भ्रमों का नाश कर देंगे हम, जला देंगे और तुझे पार कर देंगे, सतलोक ले चलेंगे। और मुक्ति लोक यानी सतलोक को आप प्राप्त हो जाओगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। नर आकार अधर आधार, वार पार नाही, व्यापक महबूब खूब धूप है ना छाही। अब परमात्मा आप ही आकर के अपने ज्ञान से अपनी प्यारी आत्माओं को परिचित कराते हैं और परमेश्वर कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। हीरे मोती रूपी, कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती हम बरसा रहे हैं और ये जग चुगता ढेल रे। ये तत्व ज्ञानहीन लोकवेद के आधार से जो साधना करते हैं वो तो डड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कंकर पत्थर रूपी धन है उनका। और गरीबदास जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, और क्या बताते हैं, अरस कुरस नूर दर्स तेज पुंज देख्या, नर आकार अदर्द आधार। गरीबदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा को देखा, बहुत नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश उनका आकार है, और अमृत रस अरस कुरस नूर दर्स, अरस के कुरस पर आसमान के अंतिम छोर में यानी सतलोक के अंदर धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, जैसे वेद बताते हैं, और यही आंखों देखा संत गवाही देते हैं जिनको परमात्मा मिले और अपना भेद बताया। क्या बताते हैं, कोटि भान और साचमान रोम रोम देख्या। गरीबदास जी कहते हैं उस परमेश्वर के एक रोम को मैं करोड़ सूर्य मिला दे, और कहते हैं सतमान जो मैं कह रहा हूँ मन रोम रोम देख्या उस परम पिता का। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले तो हमने ये हमें ये विश्वास हो कि हम जिसको भगवान माने हुए हैं जान रहे हैं वो भगवान भी है कि नहीं, और फिर ये देखना कि हम जिस विधि से परमात्मा पाने की ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो वास्तव में वो हमारा जो एफर्ट है वो सक्सेस होने वाला भी है कि नहीं, सफल होगा कि नहीं। अब जैसे ये तो ज्ञान हो गया कि पृथ्वी के अंदर नीचे मीठा जल है, शीतल, अब उसको प्राप्त करने का तरीका कौन सा है। किसी ने लकड़ी की डंडी दे रखी आगे छोल कर, कहती इससे खोदो, वो लकड़ियों से खोदने से वो जल प्राप्त नहीं हो सकता, उसका एक प्रॉपर वे है, उसका एक विशेष प्रोसेस है, प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लगाना होता है तो उसमें बोकी लगाई जाती है, एक यंत्र होता है बोकी लोहे की पाइप का ही, और पाइप के अंदर डालकर उसको ऐसे ऊपर नीचे मारना शुरू करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, अंदर जाती रहती है पाइप। ये तरीका है उस जल के यानी हैंडपंप लगाने का, यानी शीतल जल पाने का। ज्ञान तो केवल इतना बताएगा कि ये परमात्मा है और वहाँ रहता है, और वो मिलेगा कैसे वो भी ज्ञान बताएगा। तो वो जो कैसे मिलता है वो विधि एक ही है, अन्य नहीं हो सकती।
तो इस प्रकार से वो साधना हमारे सदग्रंथों में वर्णित है कि ऐसे भगवान मिलता है इन मंत्रों के जाप से। और जिन्होंने परमात्मा पाया है और जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने जो ज्ञान बताया है उसी के आधार से उन्होंने साधनाएं की हैं। उनको परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही बताया है कि ऐसे ही हमने साधनाएं की, इन मंत्रों का जाप किया, हमारा कल्याण हुआ। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।